चलिए दोस्तों बात करते हैं सीकोर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वर्ग की दो अनसन भुजाओं की लंबाई में 35% और 25% की वृद्धि की जाती है, परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए मुझे मालूम है कि जो वर्ग की भुजा होती है वो बराबर होती है, अगर एक भुजा 100 है तो दूसरी भी उसकी 100 ही होगी, और वो एग्जामिनर कहता है कि पहली भुजा में 35% की वृद्धि होती है, यानी 100 का 35% निकालेंगे तो 35 आएगा, और 35 में जोड़ूंगा तो ये 135 आ जाएगा। दूसरी भुजा का 25%, यानी इसका 25% निकालूंगा तो इसमें 25 जोड़ दूंगा तो ये 125 हो जाएगा। छोटा कर लेते हैं, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 5 5 दूनी 10 यानी कि 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जो क्षेत्रफल था 80 था, अब कितना हो रहा है 5 सत्ते 35 3 और 5 दूनी 10 3 13, यानी कितना 135 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा आपका 5, और ये 8 5 13 यानी 55/2 में कितना हो जाएगा आपका 80। इनटू में 100 करेंगे तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है। तो ठीक है, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 यानी 25 25 25 और 25 और 2 27, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई, 4 से तो ये कितना हुआ 4 6 4 6 24, 3 बचा 4 8 32, 3 बचा, पॉइंट लगा 0, 4 7 28 यानी 6 8.75, 6 8 7.5 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर सिंपल सी बात है, डिस्काउंट वाला मेथड जो है उसको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, माना कि पहला मेरे पास बढ़ोतरी ये है, दूसरे वाली बढ़ोतरी मेरे पास ये है, प्लस का निशान लगाएंगे तो एक्स इंटू में वाई बाय में 100, यानी है तो ये डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला, बट यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं तो आपको टोटल बढ़ोतरी मिल जाएगी। पहले वाले वैल्यू की 35% तो 35 लिख लीजिए, प्लस में दूसरे वाले कितना 25% है 25 लिख लीजिए, प्लस में 35 इंटू में आपका 25 और बटे में आपका 100 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0, ये कितना होगा 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा, प्लस का निशान 35 और 25, यानी 35 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 5 25 5 3 15 और 2 17, और ये 5 2 10 3 2 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 5 7 और ये हो जाएगा 8 8 बाय में 100 हो जाएगा आपका। यहाँ से ये पॉइंट लगा देंगे तो इसका मतलब 8.75 ऐड करेंगे तो 68.75 बढ़ोतरी होगी, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये जो फॉर्मूला है वैसे मोस्टली हम डिस्काउंट निकालने के लिए करते हैं जब इक्विवेलेंट डिस्काउंट देते हैं, बट अगर आप इसका यूज़ करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो ये आपकी हेल्प करेगा थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी करने में। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।